मैंने बताया नहीं ससुराल से क्यों आ गई अचानक। ऐसा क्या हुआ है जो मुझे सडनली आना पड़ा? रीजन है, रीजन तो बहुत कुछ है, जब जो इश्यूज है, जिस इश्यूज के लिए मैं आ गई हूँ, बाहर चली गई थी, तो वो इश्यूज अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। और हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह का टाइम है, उठ के ही मैं मेकअप शेकअप कर लिया, क्योंकि मेरा रील्स वगैरह नहीं है स्टॉक में, सो इसीलिए रील्स शूट करने के लिए मेकअप कर लिया। नेचुरल मैं लाइट पे आई हूँ और पावर कट हो रहा है बार बार, इसीलिए शूट भी नहीं कर पा रही हूँ। और पता नहीं क्यों आज इंटरनेट कनेक्शन में बहुत इशू हो रहा है, इसीलिए मैंने सोचा चलो बाहर से मैं ब्लॉग तो एटलीस्ट मैं शूट कर ही सकती हूँ। और मैं बहुत स्वेट हो रही हूँ क्योंकि बहुत गर्मी है, गर्मी की वजह से ना मेकअप भी मेरा वो हो रहा है, क्या बोलते हैं, रिमूव, पावर कट हो गया था, अभी आ गया है। सो अभी लाइव आना है मुझे, लाइव भी नहीं आ पा रही हूँ। जब भी मैं सोचती हूँ लाइव आऊँगी ऐसा होता है, और देखिए मेरा केकी जैसा फेस हो गया एकदम, मेकअप मेरा पसीना से पूरा पिघल गया है। सो चलिए मैंने स्टैंड वगैरह लगा लेती हूँ, लाइव आ जाती हूँ और ब्लॉग को स्टार्ट कर लिया है। आप बने रहिए ब्लॉग में, देखते रहिए। आई होप आज का ब्लॉग आप सबको अच्छा लगेगा। अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। पूरा ब्लॉग वॉच करने के बाद आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि मुझे पता चले आपको कौन सा हिस्सा अच्छा लगा, कौन सा अच्छा नहीं लगा, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चलिए शुरू करते हैं, बहुत भाषण दे दिया मैंने, बाय। फिर देर के बाद मिलती हूँ शूट करने के बाद, ब्लॉग में बने रहिए। किचन में टाइल्स नहीं, वो क्या बोलते हैं, किचन टेबल लगाने वाले ना, इसलिए पत्थर लेने के लिए आए हैं। सो ये दिल्ली रोड के बगल में ही है, और ये देखो सुमित खड़े हैं, इधर सब मिल जाता है। और मैं हूँ यहाँ, सुबह मिली थी और अभी शाम को मिल रही हूँ एकदम। और अभी शाम के बज रहे हैं 6:30, वेट कर रहे हैं फादर इन लॉ के लिए। देखिए सुमित बहुत अच्छा है, उसका हेलमेट पकड़ा है, मेरा भी हेलमेट पकड़ा है। ईट 10 টাকা করে 15 টাকা করে হয়ে গেছে এখন A1 ইট গুলো 15 টাকা করে। राखी के पहले दिन ही मैं चली गई थी, और कपड़ा उस दिन गीला था, सूखा नहीं था, बारिश हो रहा था ना, इसीलिए तो घर के अंदर मतलब रूम के अंदर ही सूखने के लिए डाल के चली गई थी। तो आज आई हूँ और आज आके वो सब कपड़ा फोल्ड करके रख रही हूँ, थोड़ा सा रूम को भी क्लीन वगैरह किया, क्योंकि 2-3 दिन तक रूम बंद था ना, तो थोड़ा सा डस्ट हो ही जाता है। शाम के 7:30 बज रहे हैं इस टाइम पर आई हूँ, और वो किचन बनाने वाला है ना, उसके लिए जो जो सामान चाहिए सब लेने लिए आए थे। सो डीलर से हम लोग लेके आ गए, अभी टोटो करके सामान आया है। मैं धीरे धीरे बात कर रही हूँ साथ सामान के लिए, बाद में बात करती हूँ। और मेरा बेडरूम कुछ इस तरह से एकदम सही है। आप में से बहुत सारे फ्रेंड ने मुझे पूछा है, श्रेया आप बाहर नहीं जाओगे, आप इधर ही रहोगे? जी हाँ, मैं बाहर अभी नहीं जाऊंगी, मैं कोलकाता में ही रहूंगी, और मैं ससुराल में भी रहूंगी, अपने मायके में भी रहूंगी। हाँ, मैं राखी के पहले दिन मैं अचानक से चली गई थी घर में, इसके लिए कुछ रीज़न है जो आपको आगे ब्लॉग में बताऊँगी, अभी वो सही टाइम नहीं है। मैं आपको अपने मायके जाके बताऊँगी ऐसा क्यों किया मैंने। डिस्को लाइट, और ये देखिए इधर है टाइल्स रखा हुआ, टाइल्स नहीं इसको क्या बोलते मुझे नहीं पता, ब्लैक स्टोन। हो गया काम, अभी हम लोग थोड़ी देर तक बैठेंगे, बातें करेंगे, फिर घर जाएंगे। दाओ ना ठंडा जल दाओ। मुझे ना पानी पूरी बहुत पसंद है, और मैं जब मायके से ससुराल जाती हूँ या ससुराल से मायके आती हूँ, तो ये रास्ते के बीच में ना ये अंकल बैठते हैं, बहुत टेस्टी पानी पूरी बनाते हैं, और एकदम साफ़ सुथरा, गंदगी नहीं रहता है, और इतना डिलीशियस रहता है ना इनका पानी पूरी, तो हमेशा मैं खाती ही हूँ। और ये देखिए सुमित का कुछ फ़ोन ख़राब हो गया, दुकान में लेके गए थे, और ये भगवान दिखा तो मैंने आपके साथ शेयर किया।
अभी देखिए मैं थी कहाँ रास्ते के साइड पे, अभी देखिए घर पे आ गई हूँ, मायके आ गई हूँ। अभी रात के 10 बज रहे हैं, मैं घर आई हूँ। और हाँ, जैसे कि आपको मैंने बताया नहीं कि मैं ससुराल से क्यों आ गई अचानक, ऐसा क्या हुआ है जो मुझे सडनली आना पड़ा। हाँ, आप में से बहुत सारे लोग ये सोचो कि उधर मैं रह नहीं पा रही हूँ वगैरह वगैरह बहुत कुछ। जी हाँ, अभी बताती हूँ, सुबह से मैंने बताया नहीं। और ब्लॉग के शुरुआत में आपको मैंने मिली थी मेकअप में, और अभी मिल रही कुछ इस तरह से, रीज़न है वो ना कल वाला शूट किया था। कल मैं ब्लॉग स्टार्टिंग किया तो उसके बाद कोई कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि नॉन स्टॉप बारिश हो रहा था, पावर कट भी नहीं था, मतलब पावर भी नहीं था, पावर कट था, इसलिए मैं कल पूरा दिन मेरा वेस्टेज गया। जो इंट्रो दिया था ना वो मेरा कल वाला शूट था। आज मैं फिर सुबह से नहीं कर पाई तो शाम से मैंने ब्लॉग को कंटिन्यू किया है। और शाम को जैसे कि आपने देखा मैं गई थी एक डीलर में, वो हम लोग जो चाला घर है ना, जो क्या बोलते उसको, एडबेस्टर का घर है ना, उसका किचन बनाने वाले हैं क्योंकि किचन ससुराल में ना सीढ़ी के नीचे है, बहुत दिक्कत होता है खाना बनाने में, सो इसीलिए। और हाँ, अभी मैं बताती हूँ क्यों मैं आ गई हूँ ससुराल से मायके, फिर से मैं गई थी रहने के लिए लेकिन नहीं रह पाई, आ गई। रीज़न है, रीज़न तो बहुत कुछ है, ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगी, छोटा सा कुछ बताती हूँ। एक्चुअली ना उधर जो इश्यूज़ है, जिस इश्यूज़ के लिए मैं आ गई हूँ, बाहर चली गई थी, तो वो इश्यूज़ अभी तक क्लियर नहीं हुआ है और अभी तक बन नहीं पाया है, सो इसीलिए मैं आ गई हूँ फिर से मायके। अभी उधर दो चीज़ इशू है, एक है पानी का, दूसरा है किचन का, तो दो ही बना रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा टाइम जा रहा है, इसीलिए मैं जब तक वो दो चीज़ नहीं बन जाता, दो नहीं चार हो गया, दो चीज़ नहीं बन जाता तब तक मैं मायके में रहूँगी। जब किचन बन जाएगा और टैंकी लग जाएगा तब मैं उधर जाके रहूँगी। तो क्लियर कर दिया, आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे थे ससुराल में नहीं रहती है, फिर से आ गई है मायके, बहुत मेरा कॉमेंट बॉक्स भर गया था मेरे इंस्टा में, फेसबुक पेज में बहुत कोई कॉमेंट कर रहे थे। हाँ, वाले यूट्यूब में इस वीडियो के नीचे नहीं करते आप लोग कमेंट, मैं चाहती हूँ आप लोग भी मुझसे जो पूछना चाहते हैं ना इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करो, तभी तो पता चलता है, नहीं तो मुझे मुझे फेसबुक पेज से उठाना पड़ता है कमेंट, इंस्टा से उठाना पड़ता है, तब जाके मैं यूट्यूब में बोलती हूँ, मतलब मैं यूट्यूब में बोलती हूँ, आप लोग इंस्टा फेसबुक पेज में करते हो तो मैसेज, तो उसी का रिप्लाई मैं यूट्यूब पर देती हूँ। सो कैसा लगा आज का पूरा ब्लॉग बताना, मुझे पता है क्या, अभी धीरे धीरे छोटे छोटे चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ, धीरे धीरे जैसे बनता जाएगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आज है, आज कौन सा डे है एक सेकंड देखती हूँ, आज है फ्राइडे अगस्त का 23 अगस्त फ्राइडे है आज। और आज रात के 10 बज रहे हैं, मायके आ गई हूँ, बाल भी बना लिया, अभी जाऊँगी डिनर करके सोने के लिए। कल फिर से हेक्टिक वाला शेड्यूल स्टार्ट होने वाला है, कल मैं फिर से कंटिन्यू करने वाली हूँ नेक्स्ट वाले ब्लॉग। सो एक दिन मैंने गैप दिया था, वो पावर कट हो गया था बिजली की वजह से, नहीं शूट कर पाई और बारिश हो रहा था नॉनस्टॉप इसीलिए। सो आज कल वाला ब्लॉग मैंने आज दी एंड किया। आई होप आज का ब्लॉग आप सबको अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जाची मम्मी बुला रही है डिनर के लिए, तो चलिए मिलती हूँ। मेरी मम्मी नहीं तो चिखते रहते हैं, मतलब वीडियो के बीच बीच में मैंने कितना कट लगाया आपको नहीं समझ में आएगा, मम्मी चिल्लाती रहती है हर टाइम, मुझे वीडियो एडिट करने में ना बहुत दिक्कत होता है, मम्मी हर बात में चिल्लाती रहती है, तो कट करके अभी जो मैं चिल्ला के बोली ना तब मम्मी गए हैं, नहीं तो अभी तक बोलते रहता, जब तक मैं नहीं हिलती जैसे मम्मी बोलती रहती है आ जा सो ऐसा है। तो चलिए ऐसा मत सुना कि मम्मी के ऊपर चिल्ला रही है, मम्मी ऑलरेडी 3-4 पूर्ण मतलब बुला चुके हैं क्योंकि रात भी हो गया ना, 10 बज चुके हैं। तो चलो ब्लॉग को लंबा नहीं करूंगी, मिलती हूँ, टाटा।